वॉच आउट फॉर दीज एक्टिविटीज। अच्छा मैं ये चॉकलेट का डब्बा खोल रहा हूँ, एक मैं ब्रदर साइड पे पूछूंगा, एक सिस्टर साइड पे। तो कुछ चीजें हैं आपको मैं सिर्फ इमेज दिखाऊंगा, आपने बताना है ये क्या चीज है। हाथ खड़ा करना है, चीखना नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा पहला इमेज देखने के लिए तैयार है आप? आपने बताना है ये क्या चीज है जिससे आपने बचना है। पहला सवाल करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टर साइड। ये क्या है, कोई हाथ से बता दे जी। वाइन और इंटॉक्सिकेंट्स। ओके तो पहली कैटेगरी जो आपने वॉच आउट करनी है, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट में कुछ चीजें हैं जिसको आपने ख्याल रखना है। तो अगर एंटरटेनमेंट के अंदर शराब इन्वॉल्व है तो ये हराम हो जाएगी, इसको आपने इससे दूर रहना है। नंबर टू, ये क्या है ब्रदर्स? जी ब्रदर, गैम्बलिंग। जज़ाकअल्लाह खैर। ओके दिस इज गैम्बलिंग। सो किसी भी गेम के अंदर, किसी भी एंटरटेनमेंट के अंदर अगर जुआ लग रहा है तो ये चीज हराम हो जाती है, ठीक है। चाहे आप अगर क्रिकेट ही खेल रहे हैं और जुआ लगा रहे हैं, हराम है, नहीं कर सकते। अच्छा सिस्टर साइड पे ये क्या है, हाथ खड़ा करके बताएं जी। सॉरी जी, जज़ाकअल्लाह खैर। ये आपने जो कहा था, आपने रिलेशनशिप्स कहा था, असल में ये फ्री मिक्सिंग की बात है, जनरल, ज्यादा जनरल है। जिन जहां पे भी फ्री मिक्सिंग हो जाए, मतलब मैं अभी हराम रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं कि अभी आपने उनको प्रपोज किया और गर्लफ्रेंड बना लिया और चलो हम घूमने चलते हैं, वो तो दूर की बात है। मैं कह रहा हूं आप एक पार्टी पे साथ खड़े हुए हैं आपस में, हे व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स नॉट परमिसेबल टू डू दिस, राइट। सो ये चीजें इनसे बचना, ये आगे जाके मैं इसकी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके ब्रदर साइड, ये क्या है? टाइम वेस्टिंग। जज़ाकअल्लाह खैर। ओके सिस्टर साइड, ये क्या है? ओके वेरी गुड, मॉडेस्टी। ओके ये है बेसिकली कोई भी काम ऐसा जिसमें आपका, यानी मर्द हो या औरत हो, आपकी सतर जो है वो अनकवर हो जाए, या जिसको हम कहते हैं कि आपका पर्दा जो है वो खत्म हो जाए, या आपकी जो मॉडेस्टी है वो खत्म हो जाए। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिसमें ये वाला मामला हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी है, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग में आप करते हैं, इंशाल्लाह दैट्स फाइन। अच्छा नेक्स्ट वाला ब्रदर साइड पे, ये क्या है? जी ब्रदर, वेस्टिंग ऑफ मनी। तो अगर चीज हलाल भी है लेकिन बहुत ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका, फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट खेलनी है जिसके लिए आपको स्नीकर्स चाहिए, आपने स्नीकर्स आपको लेट सपोज के 2000 वाले मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपने लिए 1.5 लाख वाले। क्यों? क्योंकि उस पर रोनाल्डो का साइन हुआ था। खेलना आपने क्या था, स्पोर्ट खेलनी थी, स्पोर्ट आपकी चल जाती, वो 2000 से काम बन जाता था, 3 से भी बन जाता, 4 या 5 से भी बन जाता, लेकिन 1.5 लाख रुपया स्नीकर्स के लिए क्यों? ये एक्स्ट्रावेगेंस है। सो वॉच आउट फॉर एक्स्ट्रावेगेंट बिहेवियर। एक इंसान इसी तरह से कोई शर्ट लेना चाहे कि जी शर्ट तो ठीक है लेकिन वो नंबर 7 वाली चाहिए मुझे, क्योंकि वो इस तरह से है। इसी तरह से इसराफ में क्या आता है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लें, बिस्मिल्लाह जरूर लें गाड़ी, लेकिन नंबर प्लेट मुझे चाहिए जो कि 20 लाख का नंबर प्लेट है, दिस इज इसराफ। यानी हैविंग अ कार और हैविंग अ फाइन हॉर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब आप उन चीजों पे जो गैर जरूरी है खर्चा करना शुरू कर देते हैं, देन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड दिस कुड टेक यू टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज हराम। ओके सिस्टर साइड पे, तो ये है एक्स्ट्रावेगेंस। सिस्टर साइड पे ये क्या है? तो फॉर्चून टेलिंग या हॉरोस्कोप्स, जिस चीज में भी फॉर्चून टेलिंग आ जाए, फॉर्चून टेलिंग, किस्मत के हाल और ये सारा कुछ, तो ये चीजें हम नहीं कर सकते, बिकॉज इसके बारे में बड़ी सख्त अहादीस आती हैं जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जो भी बंदा फॉर्चून टेलर के पास जाता है इवन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, और जो फॉर्चून टेलर को बिलीव कर जाता है तो आपने फरमाया देन ही हैज डिसबिलीव्ड इन व्हाट वाज रिवील्ड टू मी, तो जो मुझ पे नाजुल हुआ वो उसको डिसबिलीव कर चुका है उसमें। तो कोई भी काम याद रखें, इवन मजाक में भी जो है ना, ये फॉर्चून टेलिंग और हॉरोस्कोप्स और किस्मत के हाल और हाथ दिखाने और टैरट कार्ड पढ़ने और ये चीजें, इनसे बिल्कुल दूर है, इस्लाम इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ब्रदर्स के लिए है, ये क्या है? ये मुश्किल है थोड़ा सा जी। नमाज, नमाज पढ़ना, यानी उससे बचे या क्या करें? पढ़े नहीं और कुछ? अच्छा ये था बेसिकली मॉकिंग इस्लाम, दीन का या इस्लामिक एट्रीब्यूट्स का मजाक उड़ाना, मस्जिद का मजाक उड़ाना, हिजाब का मजाक उड़ाना, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, कोई भी इस्लामी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इस्लामिक क्वालिटीज हैं, उनका मजाक आप नहीं उड़ा सकते। और अगर आप ये करते हैं तो इट कैन टेक यू टू वर्ड्स कुफर ऑल्सो, बिकॉज जो मुनाफिकीन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में,
वो दीन का मजाक उड़ाया करते थे, तो आप अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल की कि तुम किसका मजाक उड़ाते हो, अल्लाह और उसके रसूल का या ईमान वालों का मजाक उड़ाते हो, किसका मजाक तुम उड़ा रहे हो? एंड ही सेड के आयत में था कि यू हैव डिसबिलीव्ड आफ्टर यू बिलीव्ड, नो दैट यू हैव डिसबिलीव्ड आफ्टर यू बिलीव्ड इफ यू आर मॉकिंग द रिलीजन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। तो इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। अक्सर औकात लोग ना हंसी मजाक में आजकल बिकॉज स्पेशली सोशल मीडिया पे मीम्स आ रहे हैं और ये इसके अंदर ना वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी कभार मजाक करते करते ऐसा कर जाते हैं कि वो मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसा बंदा है जो कि इस्लाम का अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, ठीक है, एक बंदा है कैसा कोई पीर बाबा टाइप ही समझ लें जो इस्लाम की सही अक्कासी नहीं कर रहा, अब उसको बैश कर रहे हैं, चले इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश निकल सकती है शायद, लेकिन उसके साथ साथ आप उसके हुलिये को भी बैश कर रहे हैं, विच इज उसकी दाढ़ी को आप, हालांकि वो दाढ़ी उसका मसला नहीं है, वो नबी की सुन्नत है जिसको आप बैश कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ एट्रीब्यूट हो जिसको आप आगे करना शुरू कर दें, देन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह इससे हम बचेंगे। और आखिरी चीज़ है ये सिस्टर्स की तरफ, ये क्या है सिस्टर्स इन द जी सिस्टर जज़ाकुमुल्लाह खैरन डूइंग समथिंग जिससे आप खुद इंजर हो जाएं या किसी और को इंजर कर दें, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें इंजरी हो जाए आपको, कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जिसमें आप या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है कि यू हैव फन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल, राइट, यू कैन नॉट डू दैट। इन्फ्लिक्टिंग हार्म एंड डैमेज, आपको अल्लाह ताला ने बनी आदम में से पैदा किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम का इकराम किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को ही पकड़ के मारना शुरू कर दें या हार्म करें या इन्फ्लिक्ट करें अपने आप को या आसपास लोगों को, तो ये चीज़ जो है इससे भी आप बचेंगे इंशाल्लाह। तो ये 9 कैटेगरीज हैं, सो अभी तक जो कि कुरान और हदीस में कम अज़ कम 9 ऐसी जो कि मना है कि किसी एंटरटेनमेंट में भी अगर ये चीज़ पाई जाती है तो उसको आप एक्सक्लूड कर दें।